हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्माब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है फार्मेसी। Pharmacy is the branch of science that deals with the preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, proper utilization of drugs. फार्मेसी साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स के साथ। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस डीलिंग विथ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि ड्रग्स के साथ डील करती है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्रग। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द रेसिपेंट। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस और प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है और इंटेंड किया जाता है टू मॉडिफाई करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेज को फॉर दी बेनिफिशियल ऑफ दी रेसिपेंट के बेनिफिट्स के लिए। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या है? दीज आर दी ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिसीज़। ये जो ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए, जो कि रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है असेंशियल मेडिसिन्स। असेंशियल मेडिसिन्स क्या आते हैं? असेंशियल मेडिसिन्स आर दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। दे शुड बी ऑफ अश्योर्ड क्वालिटी, अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन एडिक्वेट क्वान्टिटीज़ एंड इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म। असेंशियल मेडिसिन जो होती है वो सेटिस्फाई करना चाहिए हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो अश्योर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए एंड अवेलेबल एट ऑल द टाइम होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए और इसके एडिक्वेट क्वांटिटीज़ एंड अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म भी अवेलेबल होने चाहिए। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। ड्रग की मूवमेंट बॉडी के अंदर। इट इंक्लूड दी प्रोसेस ऑफ ADME। ये ADME के प्रोसेस को इंक्लूड करता है। दैट मीन्स A फॉर एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म, E एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो डिफाइंड एज इट मीन्स वॉट दी बॉडी डज टू दी ड्रग। के बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है बॉडी के ड्रग के साथ। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्माकोडायनामिक। व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक? इट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। ये हमारे ड्रग्स की स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। कि उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये इसको कवर करता है कि हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। हमारा नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ ड्रग हैं? तो दे आर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। जो हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग है वो फर्स्ट है नेचुरल, सेकेंड है सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड है सिंथेटिक। जो हमारा फर्स्ट नेचुरल सोर्स है वो है सोर्सेज आर प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। हमारा जो सेकेंड है वो है सेमी सिंथेटिक। ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड लेटर केमिकली मॉडिफाइड। जो हमें सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो ऑब्टेन होते हैं वो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं एंड लेटर हम उनको केमिकली मॉडिफाई करते हैं। हमारा जो थर्ड सिंथेटिक ड्रग्स आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या है। हमारा फर्स्ट है प्लांट्स, एंड प्लांट्स के अंदर दो अल्कोलॉइड्स, फर्स्ट है हमारा अल्कोलॉइड्स एंड सेकेंड है ग्लाइकोसाइड्स। अल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनिन, रेजरप्रिन, एफीड्रीन। हमारा नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड बी, इसके एग्जाम्पल हैं डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। हमारा सेकेंड है एनिमल सोर्स, इसके एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड हेपारिन। हमारा थर्ड सोर्स है मिनरल्स, जिसके एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। हमारा फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेसियोफ्लोविन। एंड हमारा फिफ्थ है सेमी सिंथेटिक, जिसके एग्जाम्पल है हाइड्रोमॉर्फोन एंड हाइड्रोकोडोन। हमारा सिक्स सोर्स है सिंथेटिक, के मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज टुडे आर सिंथेटिक। जो हम नाउअडेज यूज़ करते हैं ड्रग, वो सारे सिंथेटिक मोस्टली होते हैं। इसके एग्जांपल है एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल। ड्रग आर यू आल्सो प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हमारे जो ड्रग्स हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए भी प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसके एग्जांपल हैं ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हमारा नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स। ड्रग्स हम अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ड्रग पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है ड्रग पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पर। तो वो फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। हमारे फैक्टर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एमरजेंसी। सेकेंड फैक्टर है हमारा एमरजेंसी एंड रूटीन यूज़, हम किस लिए देते हैं, इमरजेंसी में दे रहे हैं या रूटीन यूज़ के लिए दे रहे हैं। हमारा थर्ड फैक्टर है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या वो अनकॉन्शियस है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, इस पे भी हमारा सिलेक्शन डिपेंडेंट है। हमारा फोर्थ फैक्टर है एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है। हमारा फिफ्थ फैक्टर है एसोसिएटेड डिसीजेस, कि पेशेंट को और तो कोई डिसीज़ नहीं है इसके अलावा। हमारा सिक्स है पेशेंट डॉक्टर चॉइस। समटाइम्स पेशेंट डॉक्टर चॉइस के ऊपर भी सिलेक्शन होता है। आइए पढ़ते हैं इन सबको डिटेल के बारे में कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन है, दिल क्लासीफाई इन टू पार्ट्स, लोकल एंड सिस्टमिक। एंड लोकल में हमारे तीन क्लासेस हैं। फर्स्ट है टॉपिकल, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। सेकेंड है इंट्रा आर्ट्रिक्यूलर, जिसको हम आर्टरीज़ में देते हैं। थर्ड है इंट्राटेक्यल। हमारा सेकेंड क्लास है सिस्टमिक, जिसके अंदर टू सब क्लासेस है, एंटरल एंड पेरेंट्रल। एंटरल में दो क्लास है, ओरल एंड रेक्टल, जो कि थ्रो जीआईटी होता है। एंड सेकेंड क्लास है पेरेंट्रल, जिसके अंदर है इंट्रावेनस, जो हम आई वेन में देते हैं, इंट्रामस्कुलर, जो हम मसल्स में देते हैं, सबक्यूटेनस, जो कि हम टिश्यूज़ में देते हैं, एंड सबलिंगुअल, जो हम टंग बीनीथ दी टंग देते हैं, ट्रांसडर्मल, नेजल एंड इनहेलेशंस। हमारे आइए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। हमारा जो फर्स्ट है वो है लोकल रूट। लोकल रूट एक्शन ऑन पर्टिकुलर लोकल एरिया एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज मिनिमल। एक्शन ऑन पर्टिकुलर एरिया, इसका एक्शन पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, लोकल एरिया के लिए। एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इसका मिनिमल होता है, मीन्स कम होता है। इसके अंदर सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज टॉपिकल। द टॉपिकल रूट इंक्लूड एप्लीकेशन टू द स्किन। स्किन के फर्स्ट इट इंक्लूड द एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन पर अप्लाई करते हैं, और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज, नोज, थ्रोट, एयरवे और वजाइनल फॉर लोकल इफेक्ट। या तो हम इसको स्किन पे देते हैं या तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे। किसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे, आई पे, नोज, आई, नोज, थ्रोट, एयरवे और वजाइनल फॉर लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट के लिए देते हैं। हमारा नेक्स्ट है सेकेंड डीपर टिश्यू। injection in deep tissue, deep capsulated areas of body and systemic absorption is slow. ये हम डीप कैप्सुलेटेड एरियाज़ में देते हैं, कैप्सुलेटेड एरियाज़ में, एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन का कम होता है. इसके एग्जांपल है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, एग्जांपल इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंड सेकेंड है इंट्रा थिकियल इंजेक्शन, एग्जांपल इज़ एम्फोटेरिसिन बी फॉर मेनिनजाइटिस, रिट्रोबिल्बर, एंड इंजेक्शन फॉर हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट. हमारा थर्ड है आर्ट्रियल सप्लाई, इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी के लिए हम ये इंजेक्शंस देते हैं, इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन देते हैं. अब हमारा सेकेंड है, सेकेंड मेजर क्लास है सिस्टमिक रूट. फर्स्ट हमारा था लोकल रूट एंड हम सेकेंड है हमारा सिस्टमिक रूट. आइए देखते हैं सिस्टमिक रूट क्या है. ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट. जो ड्रग्स इस रूट से एडमिनिस्टर्ड होते हैं, इस रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, वो सीधे ब्लड में एंटर करते हैं और अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं. इसकी फर्स्ट क्लास है एंटेरियल रूट्स. दे इंक्लूड ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट. ये इंक्लूड करता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड रेक्टल रूट. तो आइए देखते हैं एक एक. फर्स्ट है हमारा ओरल रूट. It is the most common and acceptable route for drug administration. Dosage forms are tablet, capsule and syrups etc. ये बहुत ज़्यादा common and acceptable route है drug administration के लिए और इसके dosage forms tablet, capsule, syrups होते हैं. Example is paracetamol tablet for fever and omeprazole capsule फॉर पेप्टिक अल्सर आर गिवन ओरली. जो पैरासीटामोल टैबलेट होता है वो हम फीवर में देते हैं, ओमेप्राजोल कैप्सूल जो होता है हम पेप्टिक अल्सर की डिसीज़ को क्योर करने के लिए देते हैं, और ये दोनों टैबलेट हम टैबलेट एंड कैप्सूल हम ओरली देते हैं. इसके एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट सेफ़, ये बहुत सेफ़ होता है. सेकेंड चीपर, बहुत चीप होता है. थर्ड पेनलेस, इसमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होता. फोर्थ कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़, ये रिपीटेड प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट है. एंड फिफ्थ इज कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इसे हम खुद ले सकते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अनप्लेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स. ये अनप्लेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं है. सेकेंड अनअब्जॉर्ब ड्रग, एग्जाम्पल इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, अनअब्जॉर्ब ड्रग्स के लिए भी ये सूटेबल नहीं है. थर्ड वो ड्रग जो कि डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं वो भी सूटेबल नहीं है. इसके एग्जाम्पल हैं इंसुलिन. फोर्थ ड्रग विथ एक्सपेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो ड्रग जो के एक्सपेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आते हैं उस लोगों के लिए भी, उन ड्रग्स के लिए भी ये सूटेबल नहीं है. एन एग्जाम्पल इज लिग्नोकेन. फिफ्थ इज अनकॉन्शियस पेशेंट, वो पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है उन लोगों के लिए भी सूटेबल नहीं है. सेवेंथ इज सिक्स इज अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट, जो कि अनकोऑपरेटिव अनरिलायबल पेशेंट है उन लोग के लिए भी सूटेबल नहीं है. सेवेंथ इज पेशेंट विथ सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, वो पेशेंट जिनको सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया है, उन लोगों के लिए भी ये सूटेबल नहीं है. एंड नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसी एज ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज स्लो. ये एमरजेंसी में सूटेबल नहीं है बिकॉज जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है ओरली वो बहुत कम होता है, ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स का बहुत स्लो होता है. हमारा नेक्स्ट रूट है सबलिंगुअल रूट. द प्रिपरेशन इज़ केप्ट अंडर द टंग, इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमें टंग के अंडर रखनी होती है. द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंटर थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली. ये जो हमारे ड्रग होते हैं वो बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं. इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एन एक्यूट एंजाइनल अटैक एंड बिप्रेनोफ्रेन फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. इसके एडवांटेजेस है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है हमें ड्रग का. एंड सेकेंड एडवांटेजेस ये है, एडवांटेज ये है एक्शन कैन बी टर्मिनेट बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। थर्ड है बाईपास दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। एंड फोर्थ इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, इरिटेंट एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। एंड ड्रग विद बैड टेस्ट, जो ड्रग बैड टेस्ट के साथ होते हैं उन लोगों के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता है। हमारा थर्ड क्लास है वो है रेक्टल रूट्स। ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इसमें जो ड्रग के फॉर्म्स है वो है सॉलिड में भी दे सकते हैं आप और लिक्विड में भी दे सकते हैं। इसके एग्जांपल है सपोजिटरी, इट कैन बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। ये लोकल इफेक्ट टॉपिकल इफेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, इफेक्टिव है एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी। एग्जाम्पल इज इंडोमेथासिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इंडोमेथासिन दे सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो है पेरेंट्रल रूट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंटीरियल रूट्स आर कॉल्ड पेरेंट्रल रूट्स। जो भी हमारे एंटीरियल रूट के अदर जो भी दूसरे रूट्स हैं एक्सेप्ट एंटीरियल रूट वो हमारे आते हैं पेरेंट्रल रूट में। आइए देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज़ फास्टर हैंड सुटेबल फॉर एमरजेंसी। ये एमरजेंसी के लिए सूटेबल है बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इट इज़ यूजफुल इन फर्स्ट अनकॉन्शियस पेशेंट, वो पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट, वो पेशेंट जो कोऑपरेशन नहीं करते हैं, अनरिलायबल पेशेंट है, उन लोगों के लिए भी ये यूजफुल है। एंड थर्ड पेशेंट विथ वॉमिटिंग एंड डायरिया, वो पेशेंट जो कि वॉमिटिंग एंड डायरिया से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये यूजफुल होता है हमारा। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर, फर्स्टली इरिटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल है। सेकेंड ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो ड्रग जो कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आते हैं उन लोगों के लिए सूटेबल है। थर्ड ड्रग नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, ड्रग्स जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उन लोगों के लिए। एंड फोर्थ इज ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, वो ड्रग जो कि डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं उन लोगों के लिए भी सूटेबल है। आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है रिक्वायर्ड एसेप्टिक कंडीशन, ये एसेप्टिक कंडीशन रिक्वायर होती है इसके लिए। प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन शुड बी स्टराइल एंड इज़ एक्सपेंसिव, प्रिपरेशन हमेशा स्टराइल होना चाहिए एंड इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। थर्ड रिक्वायर्ड इनवेसिव टेक्निक्स विच इज़ पेनफुल, टेक्निक्स प्रोवाइड होती है, इन्वेसिव टेक्निक्स रिक्वायर होती है जो कि पेनफुल होता है। फोर्थ इज कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ये हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं हम इन्हें। एंड फिफ्थ इज कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व वेसल सेल्स एक्सेट्रा, ये लोकल टिश्यू इंजरी भी कॉज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट है इसके अंदर ही इनहेलेशन रूट। वॉलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, वॉलेटाइल लिक्विड एंड गैस ये दोनों भी इनहेलेशन रूट के द्वारा दे सकते हैं फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। इसके एग्जांपल है हमारे जनरल एनेस्थेटिक। आइए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, फास्ट होता है। डोज रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस, जो कि हम लोग को डोज रिक्वायर है वो बहुत लेस होता है। सो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज़ मिनिमाइज, तो इसी से हम सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं किसी हद तक। हमारा थर्ड है अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड, जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, जो लोकल इरिटेशन है उसके उससे इन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन इंक्रीज भी हो सकता है एंड ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में हमारा फर्स्ट है इंट्रा डर्मल रूट, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन, ये इसमें ड्रग इंजेक्ट किया जाता है स्किन लेयर में। एग्जाम्पल क्या है इसका, BCG वैक्सीनेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, BCG वैक्सीनेशन है एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट है। इट इज़ पेनफुल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ये बहुत पेनफुल होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबक्यूटेनस एसिड, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनस टिश्यू ऑफ थाई, एब्डोमेन, आर्म। इसमें जो ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबक्यूटेनस टिश्यू में किया जाता है, और किसके, थाई, एब्डोमेन एंड आर्म के। इसके एग्जांपल है एड्रीनलिन, इंसुलिन एक्सेट्रा। इसके एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, एग्जांपल इंसुलिन, इसको हम अब खुद से ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है। एंड सेकेंड इज डिपोट प्रिपरेशंस कैन बी इंसर्ट इनटू द सबक्यूटेनस टिश्यू। डिपोट जो भी प्रिपरेशंस होती हैं हमारे वो हम सबक्यूटेनस टिश्यू के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स, ये नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए ही सूटेबल है, इरिटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं है। सेकेंड, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, हैंस नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसी, इसका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, इसके लिए ये सूटेबल, एमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट, ड्रग्स आर इंजेक्टेड into large muscles such as deltoid muscles, gluteus maximus and vastus lateralis। इसमें जो हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो लार्ज मसल्स में होते हैं, such as deltoid muscles, gluteus maximus and vastus lateralis। इसके एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन इज़ मोर रैपिड एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट, इसके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट, से कंपेयर करने पर। सेकेंड, इट माइल्ड इरिटेंट्स, डिपोट इंजेक्शन, सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड सस्पेंशन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। माइल्ड इरिटेंट, डिपोट इंजेक्शन, सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड सस्पेंशन, ये सब हम दिस रूट के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, इसके लिए हमें एसेप्टिक कंडीशन चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड, इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन आर पेनफुल एंड मेकर्स एबेसिस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है एंड मेकर्स एब्सेस, ये एब्सेस भी कॉज कर सकता है। थर्ड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसे हम सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इज देयर मे बी इंजरी टू नर्व, इसमें इसे नर्व को इंजरी भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट रूट है इंट्रावेनस, आईवी रूट, ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन, इसमें जो हमारे ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किए जाते हैं वेन के ज़रिए से। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एज, इसमें ड्रग्स कैसे एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं, फर्स्ट आईवी बोलस, के ज़रिए। सिंगल रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इंजेक्टेड रैपिडली और स्लोली इनटू अ वेन, सिंगल लार्ज डोज ड्रग के इंजेक्ट किए जाते हैं रैपिडली और स्लोली इनटू अ वेन, वेन के अंदर हम इसे इंजेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल है आईवी रेनिटिडिन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए आईवी रेनिटिडिन हम इंजेक्ट करते हैं। सेकेंड, स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शंस, फॉर एग्जांपल आईवी मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आईवी मॉर्फिन जो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, इसको स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल डोपामाइन इन्फ्यूजन इन कार्डियोजेनिक शॉक, डोपामाइन इन्फ्यूजन देते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक्स में। मैनिटोल इन्फ्यूजन इन सेरेब्रल ओडिमा, में मैनिटोल इन्फ्यूजन देते हैं। फ्लूइड इन्फ्यूज्ड इंट्रावेनसली इन डिहाइड्रेशन, फ्लूइड्स भी देते हैं डिहाइड्रेशन में इंट्रावेनसली। इसके एडवांटेजेस हैं, बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, सो इट इज़ द रूट ऑफ चॉइस इन एमरजेंसी, में हम लोग दे सकते हैं इस रूट के द्वारा। हमारा थर्ड है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, हम इसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैन बी इन्फ्यूज बाय आई इंट्रावेनस रूट। हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं इन्फ्यूज कर सकते हैं आईवी रूट के ज़रिए से। फिफ्थ है हमारा बाय आईवी इन्फ्यूजन अ कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग कैन बी मेंटेन। आईवी इन्फ्यूजन के ज़रिए से हम लोग प्लाज्मा लेवल मेंटेन कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, लोकल इरिटेशन मे कॉज फ्लेबिटिस। सेकेंड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल। इससे हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में। एंड थर्ड इज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। हमारा फोर्थ है रिपोर्ट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन बाय आईवी रूट। रिपोर्ट प्रिपरेशन हम आईवी रूट के द्वारा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्ट, ड्रग शुड यूजुअली बी इंजेक्टेड स्लोली। जो हमारे ड्रग है वो स्लोली उसको इंजेक्ट करना चाहिए। बिफोर इंजेक्टिंग मेक श्योर दैट द टिप ऑफ द नीडल इज़ इन दी वेन। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है कि जब हम किसी को भी आईवी द्वारा इंजेक्शन देते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो स्लो देना है इंजेक्शन को फर्स्टली, एंड सेकेंडली हम लोगों को ये देखना है कि वो वेन के अंदर नीडल इंजेक्शन की होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट रूट है इंट्राथेकल रूट। ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द सब आर्कोनॉइड स्पेस। इसमें हम जो ड्रग करते हैं वो सब आर्कोनॉइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल है लिग्नोकेन जो कि स्पाइनल एनेस्थेशिया है, एंड सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल रूट। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ a patch or ointment that delivers the drug into the circulation for systemic effect। इसमें जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो पैच के फॉर्म में या तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो हमारा ड्रग होता है वो डिलीवर होता है थ्रू दी सर्कुलेशन इनटू द सर्कुलेशन एंड टू दी फॉर द सिस्टमिक इफेक्ट के लिए लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस एंड ऑइंटमेंट फॉर प्रोपोफाइलैक्सिस फॉर ऑफ एंजाइना। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल। फर्स्टली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसका पॉसिबल है। सेकेंड इज पेशेंट कॉम्प्लियंस इज़ बेटर। पेशेंट की जो कॉम्प्लियंस है वो बेटर होती है। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका प्रोलॉन्ग होता है। फोर्थ, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आर रिड्यूस। जो हमारे सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। एंड फिफ्थ इज प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। इससे इसके ज़रिए हम कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल मेंटेन कर सकते हैं। सिक्स्थ इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास। जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो बाईपास हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड सेकेंडली लोकल इरिटेशन में कॉज डर्मेटाइटिस एंड ईचिंग। लोकल जो इरिटेशन होती है इसकी वजह से हमें डर्मेटाइटिस एंड ईचिंग हो सकती है। स्टूडेंट, हमारे बताए हुए टॉपिक और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट रूट होते हैं और उन्हें कहाँ दिया जाता है। देखिए, पैरेंटल रूट है, उसको इंजेक्शन्स के फॉर्म में देते हैं। टॉपिकल को हम क्रीम लोशंस के फॉर्म में देते हैं। और डिफरेंट क्या है? ऑप्टिक है, ऑक्यूलर है, नेजल है, इनहेलेशन है, ओरल, सबलिंगुअल, बकल, ट्रांसडर्मल पैचेस, एपिड्यूरल, रेक्टल और वाजाइनल रूट। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है जनरल फार्माकोलॉजी का। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी या आपको हमारी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हमारी लेटेस्ट वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ जो कि GPAT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस।